बच्चों, लास्ट टाइम पर हमने मेंसुरेशन चैप्टर सॉल्व किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग या डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा भी बोलते हैं कुछ चीज़ को, डेटा भी बोलते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा, ये हमारे पास टॉपिक है। तो जैसे आपने लास्ट ईयर जो 7th क्लास है उसमें जो डेटा आपका होता है उसको टेबल के रूप में अरेंज करना सीखा होगा। तो ये है हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है, पर्टिकुलर जो हम बनाते हैं वो जो है हम टेली मार्क के द्वारा बनाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 28 है डेटा में, 1 टाइम है तो 1 लाइन बनाएंगे और 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसके कॉलम फिक्स हैं, पहला जिसके लिए बना रहे हो वो, दूसरा टेली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी जितनी बार रिपीट हुआ है वो, है ना। अब 31 इस पूरे डेटा में 31 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 2 टेलीमार्क बनेंगे और 2 लिखेंगे। इस तरह से पूरी टेबल बना दी गई है और टोटल वो आना चाहिए जितने के नंबर ऑफ डाटा या डेटा आपके पास है। तो 25 यहाँ पर डेटा है, तो उनकी हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। लेकिन ये कौन सी है, ये अनग्रुप है, मतलब ग्रुप में नहीं है, है ना। लेकिन बहुत सारा ज़्यादा डेटा आपके पास हो, है ना, ये तो कम डेटा है तो आप पर्टिकुलर हर एक का फ्रिक्वेंसी टेबल बना सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो क्या करोगे, फिर उनके लिए हम ग्रुप में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। जैसे कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। जैसे हमें पता है कि यहाँ पर लोएस्ट मार्क्स जो है 28 है और हाईएस्ट मार्क्स 88 है। तो लोएस्ट मार्क्स 28 है तो हम क्लास लेंगे, ग्रुप बनाएंगे, क्लास मतलब ग्रुप। तो 25 से स्टार्ट करेंगे तो 35 तक, मतलब कि 25 से लेकर 34 तक सारे डेटा इस ग्रुप के अंदर आएंगे। 35 नेक्स्ट वाली क्लास में आएगा, 35 से लेकर 44 तक सारे डेटा इसमें आएंगे। तो इस तरीके से ही हमने क्लास बनाई है। तो क्लास में क्या करते हैं हम, जो हमारी लोएस्ट वैल्यू होती है और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको देखकर हम क्लास डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 25 से 35 की क्लास डिसाइड की, 10 साइज़ की क्लास बनाएंगे। क्योंकि 28 क्या होगा, 25 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू क्या, 88, 88 मतलब कि 95 से कम होगा, 85 से ज़्यादा होगा। तो क्योंकि स्टार्टिंग भी पता होनी चाहिए और एंडिंग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हर ग्रुप को क्लास इंटरवल या सिंपली में क्लास कहते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल में 2 वैल्यू होती है, एक आगे और एक पीछे, ये ग्रुप बनाती है ना। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, लिमिट कहते हैं उसके, मतलब लोअर क्लास लिमिट है। और जो पीछे वाली वैल्यू होती है वो होती है अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्लास की जो आगे वाली वैल्यू है वो लोअर क्लास लिमिट है, पीछे वाली वैल्यू अपर क्लास लिमिट है। क्लास साइज जो होता है, एक क्लास साइज पे आपको पता होना चाहिए, वो जो होता है वो इन दोनों का के इन दोनों का माइनस करके निकाला जाता है क्लास साइज। ठीक है, तो क्लास साइज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इस क्लास साइज एंड विड्थ। ये तो क्लास विड्थ कह सकते हैं या क्लास साइज कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्लास साइज निकालनी है तो अपर और लोअर का माइनस करेंगे, तो लो अपर आगे आएगा उसमें से लोअर माइनस करेंगे, तो इस क्लास की जो साइज है वो 10 है। किसकी, 25 35 की जो साइज है वो क्या है, 10 है। और एक और चीज़ होती है एवरेज, क्लास का एवरेज, और क्लास के एवरेज को हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होता है। ठीक है, इन दोनों का 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्लास मार्क निकाल, ये बड़ी क्लास में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो दोनों लिमिट को प्लस करके बाय 2। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, तो दोनों का माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्लास जो आप बना रहे हो 2 तरह से बनती है, एक तो होती है कंटिन्यूस, जिसमें क्या होता है, जो पहली क्लास की अपर लिमिट है वो सेकेंड क्लास में लोअर लिमिट रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे 25 35 है, तो 35 फिर से रिपीट हुआ, 45 फिर 45 रिपीट होगा, तो ये कंटिन्यूस क्लास है। ठीक है, और अगर आपकी क्लास 25 से 34 है और नेक्स्ट क्लास में 35 से 44 है, मतलब कोई अपर वैल्यू जो है, अपर लिमिट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो वो क्लास होगी डिसकंटिन्यूस क्लासेस।
ठीक है। तो जब कंटिन्यूस होगी तो उसमें क्या होगा, 35 जो होगा वो नेक्स्ट वाली क्लास में काउंट होगा, ठीक है, जहाँ पे वो लोअर लिमिट है। अपर लिमिट है वहाँ पर तो 34 तक ही काउंट होगा, लेकिन जब डिसकंटिन्यूस क्लास होगी तो यहाँ पे 25 से लेके 34 तक पूरा काउंट होगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, उसमें करेंगे डिसकंटिन्यूस में, तो दोनों ही काउंट होते हैं, अपर और लोअर डिसकंटिन्यूस में। तो ये हमारी क्लास के बारे में बात हुई कि क्लास कंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, क्लास की साइज होती है जो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकाली जाती है, क्लास मार्क निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, क्लास का एवरेज या क्लास मार्क वो निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्लास इंटरवल इस तरह से होगा, 50 से 60 या इस तरह से 60 से 70। लोअर लिमिट आगे वाली संख्या होगी, अपर लिमिट पीछे वाली संख्या कहलाती है। क्लास मार्क जो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 फार्मूले से निकालते हैं, मतलब दोनों क्लास के अपर लोअर को प्लस करके बाय 2 करेंगे। और एक होती है क्लास साइज या क्लास ब्रीथ, जिसमें फार्मूला लगता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये इससे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट है एमसीक्यू। एमसीक्यू में है इन ए अरेंज्ड डेटा, तो अरेंज किया हुआ डेटा है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है। तो रेंज कैसे निकलेगी, जब अरेंज है तो जैसे आपने अरेंज किया 1 2 3 4 है ना, बस इतना सा डेटा अरेंज, तो रेंज निकालनी है तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस निकलेगा, मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस होती है तो वो होती है रेंज। तो यहाँ पर आप रेंज निकाल सकते हो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन से डिफरेंस से रेंज निकलेगी। इसके बाद सेकेंड जो है आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी टेबल दे रखी है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन द पासिंग मार्क्स इज 40, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। अगर पासिंग मार्क्स 40 है तो आप देख रहे हो कि 0 से 90 तक जो बच्चे ला रहे हैं वो 8 स्टूडेंट हैं, 20 मार्क्स से लेकर 39 तक जो लाए हैं वो 6 स्टूडेंट है, तो 39 मार्क्स तक भी क्या है फेल हो रहा है, जैसे ही 40 आएगा पास हो जाएगा। तो फेल वाले बच्चे क्या है, इन दोनों क्लास के अंदर है, मतलब कि 8+6 हो जाएगा, तो 8+6 क्या होता है 14, तो 14 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा है तो कंप्लीट करनी है, तो ये टेली मार्क्स काउंट करके आप इन टेबल्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 20 फैमिलीज। तो 20 फैमिली के चिल्ड्रन पता किए गए कि एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, तो किसी में 2 है, किसी में फिर 1 है, फिर तीसरे वाले में 3 है। तो प्रिपेयर करना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा, तो ये तो बहुत कम डेटा है, तो इसके लिए तो हम इंडिविजुअल सेपरेट बना सकते हैं, है ना, इसमें ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी टेबल तो हम ग्रुप में नहीं बनाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर बनाएंगे। तो जहाँ डेटा कम होगा वहाँ पे आप पर्टिकुलर बना सकते हो, बिना ग्रुप के भी बना सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है, जैसे कि 1 से स्टार्ट करें, तो कॉलम तो आपको पता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, पहला नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टेली मार्क और फिर फ्रिक्वेंसी। अब 1 के स्टार्ट करें तो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 5 टाइम के लिए पता है 4 बना के उसके बाद डायगोनल बना देते हैं, तो 5। फिर 2 7 बार आएगा, 3 4 बार और 4 2 बार और 5 2 बार, तो टोटल हमारा ये क्लियर होना चाहिए, जितने भी डेटा उतना मिलना चाहिए, 20 फैमिली से तो 20 आना चाहिए, तो यहाँ पे 20 आ रहा है, क्योंकि 5 4 7 12 12 4 16 16 18 और 20। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जितने भी कम डेटा है क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा, वो पर्टिकुलर आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही 40 स्टूडेंट्स, अब ये ज़्यादा डेटा हो गया है ना, अब 40 स्टूडेंट के लिए करोगे तो हो सकता है बहुत बड़ी टेबल बन जाए, तो इसके लिए आप क्या करो, ग्रुप बनाओगे, तो यहाँ पे ग्रुप दे रखा है कि इस ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाना है, 20 से 30, तो 20 से 30 बनाओगे तो इसमें क्लास साइज कितनी है 10 है, तो 10 की साइज का बनाओगे, तो अगला ग्रुप क्या होगा 30 से 40, फिर अगला क्या होगा 40 से 50, तो इस तरीके से
ग्रुप में बनाकर आप ये टेबल को सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट कर लेना आप लोग, उसके बाद फिफ्थ कर लेना, सिक्स कर लेना। सिक्स में टेबल फिफ्थ सिक्स जैसा ही एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो सेवन आप कर लीजिएगा। एट हम सॉल्व करें तो एट जैसा हम बताएंगे वैसे ही आपको फिफ्थ सिक्स सेवन सॉल्व करना है, ठीक है। नाइन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस उसके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना आनी चाहिए। तो हम एट वाला क्वेश्चन करें जिसमें कि फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द एज ऑफ 50% इन द लोकेलिटी। 50 लोगों की एज के बारे में डेटा दिया हुआ है, हमें रिप्रेजेंट अबाउ डेटा बाय द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 26 स्मॉल है, तो हम ये चेक करें क्या 26 से भी सबसे स्मॉल और कोई नंबर है क्या, क्योंकि हम इसको क्लास से बनाएंगे। तो क्लास के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम क्या है 26, इससे भी हमने देखा तो 25 हमें नज़र आया। 25 से स्मॉलेस्ट है क्या, तो कोई नहीं है। तो सबसे स्मॉल वैल्यू क्या हो गई 25। सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है 54। हाँ, अगर हम देखेंगे चेक करें तो 54 सबसे ग्रेटर वैल्यू है, मतलब 25 आ जाए ऐसी क्लास लेनी है और 54 आ जाए ऐसी क्लास लेनी है। तो हम 25 किस में आएगा, तो 20 से 30 ले लें, 10 10 10 10 की रेंज ले लें, क्योंकि यहाँ पे 20 से 30 इस तरह की ही हमें रेंज दे रखी, तो हम यही रेंज फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो कुछ और रेंज भी ले सकते हो, जैसे 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, तो भी आपकी क्लास साइज सही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये बताया नहीं गया किस तरह की क्लास लेनी है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है। तो जब आपको क्वेश्चन में बता दिया जाए कैसी क्लास लेनी है, तो आपको वही क्लास चेंज नहीं करना है, वही क्लास लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम 25 से 35 ना लेते हुए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 वाली क्लास लेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम एट्थ वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 25 थी, मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दी 54। तो क्लास इंटरवल हम किस हिसाब से ले रहे हैं, तो लेट द क्लास इंटरवल 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, 50 टू 60। क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम बनाया, फिर टेली मार्क और फिर फ्रिक्वेंसी जो फिक्स है। तो 20 से 30 में हम जानते हैं कि कौन कौन आएगा, तो 20 से लेकर 29 तक आएगा, 30 वाला नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। तो 20 से 29 तक के काउंट करेंगे हम डेटा को, कितने डेटा होते हैं। तो 20 से 29 तक, तो देखिए तो ये 1, फिर 2, 3, 3 के बाद 4, 5, 29 तक चलेगा, 5 के बाद 5 5 5 5, फर्स्ट लाइन कंप्लीट 5, 6 6 6 6 6, 7 7 8 8 एंड 30 नॉट भी नेक्स्ट क्लास में आएगा, 8 हुआ, 8 8 8 8 8 8 8 8। तो यहाँ पर हमारे पास 8 है, एक बार चेक कर लेते हैं 8 या 9 होंगे, तो हमने 9 थे, हमने जब पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक बार चेक करते हैं 1 2 3 4 5 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
के बाद 8 एंड 9। यस, तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 डेटा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 9 डेटा जो है हमारा 29 से कम या उसके इक्वल है, 30 से कम है। तो यहाँ पर 9 टेली मार्क बना के हम 9 लिख देंगे। फिर इसी तरह से 30 का 40 मतलब 39 तक काउंट करेंगे, 7 डेटा आएंगे। फिर 40 से 49 तक काउंट करेंगे, फिर 50 से लेकर 59 तक काउंट करेंगे, तो 18 डेटा। इन सबका टोटल करेंगे तो 50 आना चाहिए, क्योंकि हमारा टोटल डेटा 50 है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, ये हम नया टॉपिक जो कंस्ट्रक्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार ग्राफ, तो ये हम नहीं करेंगे। बार ग्राफ आपने 7th क्लास में सीखे हैं, तो हम इस बार ऑनलाइन क्लास में बार ग्राफ नहीं कर रहे। हम नया टॉपिक लेंगे पाई चार्ट, हम पाई चार्ट आपको बताएंगे। तो ये पाई चार्ट जो नया टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट सिंपल पाई चार्ट ये हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।